राजेंद्र नगर असेंबली हलके में जो कि पिछले दो दिन पहले मोहम्मद खैसर बोल के एक 28 साल बच्चे का इंतकाल हुआ और आज अफरीन सुल्ताना बोल के हमारी एक बहन रहते हैं यहाँ पे उनका इंतकाल हुआ और बहुत अफसोस के साथ ये कहना है कि यहाँ के मुकामी रुकने असेंबली का घर यहाँ से 100 मीटर की दूर पे है। आज तक बड़े बड़े दावे करते मैं सेकुलर हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, आज तक आके पुरसा नहीं दिए। दो दिन हो रहा है ये हादसा होकर, तो मैं इसके ऊपर मजम्मत करना चाहता हूँ कि यहाँ के रुकनी असेंबली कभी एरिया में नहीं आते और इतना बड़ा ये हादसा होगा, दो जनों की जान चले गई, आज तक आके कोई ऑफिसर से नहीं पूछे, ना यहाँ के घर वालों को पुरसा दिए। मैं और हमारे कारपोरेटर जना मोहम्मद मुबीन साहब सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर तमाम हमारे सदर मोहतमदीन मिलकर यहाँ पर आए और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से गम का इजहार करते हैं। और अभी MRO साहब राजेंद्र नगर के यहाँ पर आए और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स आए और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, ये लोग पूरी यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे कि इन लोगों की जो मौत हुई है किस वजह से हुई बोलकर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि राजेंद्र नगर असेंबली हलके में पब्लिक और आवाम का दर्द दिल में रख के काम करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आप देखिए शास्त्रीपुरम डिवीज़न हो या मलाडोपल्ली डिवीज़न हो या सुलेमान नगर डिवीज़न हो, जब कभी भी आवाम आवाज़ देती है, आधी रात को मैं बाहिसियत मजलिस का इंचार्ज और हमारे कारपोरेटर आवाम के दरमियान में रहते, मगर अफसोस की बात है ये हादसा हो के दो दिन हो रहा, यहाँ का रुकने असेंबली आकर पुरसा तक नहीं दिया। जब कभी भी एरियो में आते आकर बड़े बड़े बातें करते, मजलिस पार्टी को वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम भी यहाँ के रुकने असेंबली को चैलेंज करना चाहते, अब के असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुँह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जब आप 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए तो आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम का काम करना आपका फ़र्ज़ है, आप नाकारा हो चुके हैं। और मैं फिर से एक बार इस जो हादसा हुआ है इस हादसे की मैं मजम्मत करता हूँ कि और एक चीज़ भी यहाँ के डिपार्टमेंट के वाटर बोर्ड हो या GHMC हो या मंडल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब है, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिसका इंतकाल हुआ है वो लोग बैकवर्ड क्लास एरिया के है और हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का जो इंतकाल हुआ है, हम यही बोलना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हमारा डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी करिए आप। सर, ये बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें लापरवाही किसकी है? मैं तो पहले बोल दिया यहाँ के रुकने असेंबली की लापरवाही है, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता, आप ये मोहल्ले के है, आप ये बस्ती के है, आपका फ़र्ज़ था कि यहाँ की आवाम के लिए काम करना, मगर आप नाकारा हो चुके, आवाम का आपके घर के बाजू कोई काम नहीं करे, आप बड़े बड़े बातें करते, मैं सेकुलर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ बोलते, मगर ये जो हादसा हुआ इससे हटके कोई दूसरों का हादसा होता तो यहाँ के रुकने असेंबली 24 घंटे कुर्सी डाल के बैठ जाते थे, नहीं तो हमारे जो ऊपर के जो लोग है, हमारे पार्टी के लोग हमारे ऊपर एक्शन लेंगे बोल के। महेश, यहाँ से मिनारिटी के लोगों का इंतकाल होने की वजह से यहाँ का रुकने असेंबली एक फिरका परस्ती से नहीं आया यहाँ पर, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। सर, मरहूम के घर वालों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़्बे मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दिल्ली में है, सदर मोहतरम आते कि सदर मोहतरम के लेटर के ऊपर सदर मोहतरम नुमाइंदगी करेंगे, मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब सदर मोहतरम को डिटेल रिपोर्ट देंगे और जो लोग अफराद खानदान है बराबर उनके हक के लिए